अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, जिसके हमने डेफिनेशन फिजिक्स की कर ली थी और 6 ब्रांचेस हमने कर ली थी। उसके आगे की ब्रांचेस आज की वीडियो में हम करेंगे। पिछले में हमने ऑप्टिक्स खत्म कर ली थी। ऑप्टिक्स के बाद है साउंड। साउंड क्या है? साउंड के बाद साउंड का मतलब है आवाज, साउंड आवाज वगैरह। तो साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब किस तरीके से साउंड वेव्स बनती हैं, क्यों बनती हैं, ये हमारे कानों तक आवाज कैसे पहुंच रही है। साउंड हमें पता है वेव्स की शक्ल में, वो हमें कैसे पता लगा जो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं साउंड में। तो साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना, साउंड ब्रांच जो है फिजिक्स की उसमें पढ़ते हैं साउंड में। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसके नाम से ही जाहिर है न्यूक्लियर, तो हमें पता है एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या है, कैसे कैसे है और वो कैसे काम करता है, उन सब में उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना न्यूक्लियर फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी भी एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अभी हमने पिछली में पढ़ा एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो सिर्फ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के साथ एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना, जो फिजिक्स के लॉज के साथ वो कैसे काम करते हैं। तो सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल आता है सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमानी अशिया। आसमानी अशिया, आसमान में जैसे सितारे हैं, चांद है, सूरज है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एक ऐड हो जाए, या प्रोटॉन निकल जाए या ऐड हो जाए, तो वो कहलाती है उसकी आयनाइज स्टेट। तो उस स्टेट के बारे में पढ़ना, उस वक्त उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो किससे मैच कर रही होंगी, वो सब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। तो आयनाइज स्टेट ऑफ एटम। उसके बाद लास्ट में है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, ये सब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, पहाड़ और शायद समंदर के अंदर पूरे अर्थ में, मतलब जितना कुछ भी है, इन सब के बारे में पढ़ना जियोफिजिक्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इन सब के बारे में पढ़ना जियोफिजिक्स। तो उम्मीद करता हूं आज जो हमने पढ़ा वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।